नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा थोरिया। हर रोज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। 80 रुपए के करीब बिकने वाला पेट्रोल कई शहरों में 120 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, जबकि डीजल 105 रुपए के करीब है। ऐसे में अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जेब कतरों से सावधान। राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट ट्विटर पर साझा की, जिसमें बताया गया है कि एक्साइज टैक्स से सरकार की कमाई बढ़ गई है। इस वजह से कई शहरों में पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। उसी का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, जेब कतरों से सावधान, हैशटैग टैक्स एक्सटॉर्शन। आपको बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी ने इसी तरह की एक रिपोर्ट शेयर की थी, जिसमें बताया गया था कि दिल्ली में पेट्रोल 108 रुपए के पार हो गया है। तब राहुल ने लिखा था कि ये किस एंगल से अच्छे दिन है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के उच्च स्तर पर रहने के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस महीने के पहले दिन सोमवार को लगातार छठवें दिन उबाल जारी रहा। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने इन दोनों की कीमतों में 35-35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 109 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर और डीजल 98 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम उत्पादों के एक्साइज टैक्स से सरकार का काफ़ी मुनाफा हो रहा है। इस साल की पहली छमाही से पिछले साल की समान अवधि की तुलना करें तो ये 33% बढ़कर 1.71 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अगर कोरोना के पहले आंकड़ों को देखा जाए तो एक्साइज कलेक्शन में 79% की वृद्धि हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।